नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। हाल के दिनों में कई पूर्व क्रिकेटरों ने अपनी अपनी ऑल टाइम 11 चुनी है। 8 जुलाई को अपना जन्मदिन मनाने वाले भारत के दिग्गज कप्तान सौरव गांगुली ने भी अपनी ऑल टाइम प्लेइंग 11 चुना है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ने हाल ही के दिनों में कई पूर्व क्रिकेटरों से उनकी ऑल टाइम प्लेइंग 11 चुनने को कहा। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के यूट्यूब पेज पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है जिसमें सौरव गांगुली ऑल टाइम प्लेइंग 11 को चुनते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने ऑल टाइम प्लेइंग 11 चुनी है, उसमें भारत के केवल 2 खिलाड़ियों को ही जगह मिली है। गांगुली ने अपनी इस टीम में बतौर ओपनर मैथ्यू हेडन और इंग्लैंड के दिग्गज ओपनर एलिस्टर कुक को जगह दी है। वहीं नंबर 3 पर राहुल द्रविड़ को जगह मिली है। नंबर 4 पर सचिन तेंदुलकर को शामिल किया गया है। इसके अलावा गांगुली की इस टीम में जैक कैलिस बतौर ऑलराउंडर नंबर 5 पर खेलेंगे। विकेटकीपर के तौर पर गांगुली की पसंद श्रीलंका के कुमार संगकारा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग भी गांगुली की इस टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। गांगुली ने पोंटिंग को अपनी इस टीम का कप्तान भी बनाया है। उनकी बैटिंग पोजीशन काफी नीचे रही है, फिर भी गांगुली ने पोंटिंग को ही कप्तान बनाया। तेज गेंदबाजी के लिए गांगुली ने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा और साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन को चुना है। वहीं स्पिनरों में शेन वॉर्न और मुरलीधरन को दादा ने अपनी टीम में जगह दी है। सौरव गांगुली द्वारा चुनी गई ऑल टाइम प्लेइंग 11 में 4 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से तो वहीं 2 खिलाड़ी साउथ अफ्रीका से, वहीं भारत से भी गांगुली ने 2 खिलाड़ियों का चयन किया है। वहीं श्रीलंका से भी 2 खिलाड़ी हैं। गांगुली की इस टीम में वेस्टइंडीज और पाकिस्तान से एक भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। गांगुली द्वारा चुनी गई ऑल टाइम प्लेइंग 11 इस प्रकार है: मैथ्यू हेडन, एलिस्टर कुक, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, जैक कैलिस, कुमार संगकारा, रिकी पोंटिंग, ग्लेन मैकग्रा, शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन और डेल स्टेन। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया।